अक्षय की लक्ष्मी बम और वरुण की कूली नंबर वन की दिवाली पर होगी टक्कर। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से सिनेमा घरों के खुलने की उम्मीद है, जहां पर ताला लटके 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इतने लंबे बंद के कारण फिल्मी उद्योग की हालत खराब हो गई है और ऐसे बुरे समय में कुछ फिल्म निर्माताओं ने अपनी फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बेच दिया, भले ही उन्हें कम मुनाफा क्यों ना हो। इसमें अक्षय कुमार की लक्ष्मी बम और वरुण धवन की कूली नंबर वन शामिल है। दोनों बड़ी फिल्में हैं और इन्हें सिनेमाघरों से अच्छे व्यवसाय की उम्मीद थी। खबर है कि इन दोनों फिल्मों को दिवाली पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है। कूली नंबर वन को अमेजन प्राइम और लक्ष्मी बम को नेटफ्लिक्स पर दिखाया जाएगा। दिवाली के त्योहार पर दर्शकों के लिए बड़ी सौगात होगी और पहली बार इतनी बड़ी फिल्मों की टक्कर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर होगी। आमतौर पर सिनेमाघरों में फिल्मों की टक्कर होती है जब दो बड़े बजट की फिल्में एक ही दिन रिलीज होती हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर पहली बार इस तरह का कारनामा होने जा रहा है। दोनों ही बड़े सितारों वाली फिल्में हैं और दर्शकों के बीच में इनका काफी क्रेज है। गौरतलब है कि अक्षय की लक्ष्मी बम तमिल मूवी मुन्नी 2 कंचना का रीमेक है। राघव लॉरेंस द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कियारा आडवाणी भी हैं। दूसरी ओर कूली नंबर वन इसी नाम से रिलीज हुई 1995 की फिल्म का रीमेक है। इसे डेविड धवन ने डायरेक्ट किया है। वरुण धवन, सारा अली खान और परेश रावल इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएंगे।